टॉपिक्स को मुझे जहाँ तक ध्यान है बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया था लास्ट टाइम भी जब अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने. इन द आइडियल ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम एवरी रिसोर्स इज शेयर्ड. ठीक है, अच्छा तो इसने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से ग्रिड कंप्यूटिंग अलग है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मेरे को जिससे कनेक्ट हो रहा है मैं उसको फाइल दे देता हूँ, बोलता हूँ ये काम करते, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. ठीक है, मतलब फाइल वगैरह शेयर करना. ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या बोलता है कि सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है, और जो तेरा है वो भी मेरा है, ये चलता रहेगा. ठीक है, तो सब कुछ क्या होगा, शेयर. सब कुछ शेयर हो गया मतलब ग्रिड पे आ गया. ठीक है, अगर सब कुछ शेयर नहीं हुआ तो हम किस पे चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे. यहाँ पे बांट बांट के टास्क कुछ करवा लिया, ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग. जहाँ पे उसको भी बराबर एक्सेस है, मेरे को भी बराबर एक्सेस है, वो मेरा रिसोर्स का इस्तेमाल करके काम कर सकता है, वो क्या है, ग्रिड. ठीक है, एवरी रिसोर्स इज शेयर्ड, टर्निंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इनटू अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर. अगेन ग्रिड कंप्यूटिंग पे मेरे पास एक वीडियो भी था, पता नहीं आप लोगों ने कब देखा हो ना देखो, अब देख लो. ठीक है, क्या ये तो थोड़ी सी तकलीफ है, ये IBM का ग्रिड कंप्यूटिंग है. देखो स्पीड एक्यूरेसी बढ़ गया बहुत ज्यादा, लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ा. ओके, समझ में आया. इसके आगे जो डिस्कशन है वो उनके IBM की एडवर्टाइजमेंट जैसे वो समझा रहे कि क्या क्या फायदा हम दे सकते हैं. ठीक है, तो अगेन दैट वाज नॉट यूजफुल, बट ये वीडियो से एप्ट वीडियो ग्रिड समझाने के लिए मुझे तो नहीं मिला. ठीक है, तो अगेन पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ही था. मिल गया पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, जिसने बोला कि हाँ हम एक शेड्यूलर नाम का सॉफ्टवेयर लगा के, ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे दूसरे सर्वर को टास्क एलोकेट कर सकते हैं रियल टाइम में बाइफरकेट करते हुए, ताकि एक ही पे लोड ना पड़े और बाकी लोग आइडल बैठे. ठीक है, तो एक ही कंप्यूटिंग साइकिल पूरी खत्म हो गई. ठीक है, उसकी कंप्यूटिंग साइकिल की प्रोसेसिंग साइकिल की वो पूरी खत्म, तो बाकी लोग खाली बैठे, उसका क्या फायदा. ठीक है, अगेन ग्रिड इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन इज द मदर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, ग्रिड और क्लाउड केवल क्या है, बच्चे. ठीक है,
वर्चुअलाइजेशन की. वर्चुअलाइजेशन इज द मदर कॉन्सेप्ट. अच्छा देख, अच्छा देखना प्लीज. ओके, बेनिफिट्स क्या हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के? मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. एग्जैक्टली, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ अंडर यूटिलाइज था, वो फायदा होगा उसका. हाँ, तो इसका मतलब हम लोग आरओआई बढ़ाएंगे ना ग्रिड का, ठीक है. एग्जैक्टली, ग्रिड कंप्यूटिंग कैन बी यूज टू एग्रीगेट दिस अनयूज स्टोरेज इन टू मच लार्जर वर्चुअल डेटा स्टोर, पॉसिबली कॉन्फिगर टू अचीव इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ओवर दैट ऑफ एनी सिंगल मशीन. तो सिंगल मशीन से बेहतर क्या है? इकट्ठा, ठीक है. हाँ, संगठन में शक्ति है, ठीक है. ओके, रिसोर्स बैलेंसिंग, ठीक है. किसी में भी पीक लोड आया अचानक, तो उसके रिसोर्स कम पड़ने लग गए, तो वो क्या कर सकता है? बैलेंस किसी और को थ्रो कर सकता है, ठीक है. यही लिखा है इसमें. An unexpected peak can be routed to relatively idle machines in the grid. And if the grid is already fully utilized, the lowest priority work क्या हो सकता है? फेंक सकते हैं उसको बाहर, कि ये छोड़ बाद में करेंगे, ठीक है. Then parallel CPU capacity. एक काम जो पहले एक घंटे में हो रहा था, वो 10 कंप्यूटर की होने की वजह से एक काम 6 मिनट में हो रहा है, ठीक है. 10 कंप्यूटर होने की वजह से एक काम जो पहले 10 एक घंटे में होता था, वो अब 6 मिनट में हो रहा है, ठीक है. एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 मिनट में यही बोल रहे हैं, ठीक है. ये बोल रहे हैं क्या? पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, मतलब पैरेलल सीपीयू मिल गया ना, इसका भी सीपीयू मेरा, इसका भी सीपीयू मेरा, इसका भी सीपीयू मेरा, जो तेरा है वो मेरा है. एग्जैक्टली. वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन. ओके, तो ये सारे रिसोर्सेज क्या है? वर्चुअलाइज्ड है. ये सारे रिसोर्स क्या है? वर्चुअलाइज्ड है. इसका मतलब ग्रिड पे हां, देखना मुझे बता रहा हूं. ग्रिड पे एक प्रोसेसर है जिसका नाम है IBM 57100, ठीक है. एक प्रोसेसर है जिसका नाम है AMD एथलॉन, ठीक है. एक प्रोसेसर है जिसका नाम है x86, जनरली इंटेल के प्रोसेसर x86 चिपसेट पे काम करते हैं, ठीक है. इससे ग्रिड पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं. तो ग्रिड तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट ही चलता है ना. मतलब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी क्या बोलता था? कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब ये IBM वाला चाहे विंडोज पे काम करे, चाहे लिनक्स पे काम करे, है ना, या चाहे iOS पे काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. AMD एथलॉन वाला किसी में भी काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सब इंटीग्रेट हो सकते हैं, सबका प्रोसेसिंग स्पीड यूटिलाइज किया जा सकता है. हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज हेल्पिंग इन टू दिस, ठीक है. कि वर्चुअली कनेक्टेड है क्योंकि, ठीक है. तो ग्रिड में ये चिंता नहीं है कि ये काम साथ में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो अगेन द मदर कॉन्सेप्ट इज वर्चुअलाइजेशन. तो इसने कहा वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज है, इसलिए आराम से कोलैबोरेशन हो पा रहा है, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स एंड देयर कंप्यूटर्स, ठीक है. समझ में आई बात? यही बोल रहा है. एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज. अच्छा, ये सीपीयू के साथ में आपको और छोटे मोटे रिसोर्स आपको एक्सेस करने, जैसे कि प्रिंटर, तो वो भी मिल जाता है ना एक दूसरे कंप्यूटर से. अच्छा, तेरे कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ है, चल तू ये मेरा डेटा ले, प्रिंट करके निकल दे, होता है. नहीं, हाँ, ये तो VSI में भी होता है. रिलायबिलिटी, ठीक है, लेकिन उसको ग्रिड का एग्जांपल मत मान लेना, क्योंकि ग्रिड पे एवरी रिसोर्स इज शेयर्ड, इट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जहां पे केवल क्या कर रहे हैं? प्रिंटर शेयर कर रहे हैं, ठीक है. ओके, रिलायबिलिटी. हाई एंड कन्वेंशनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स यूज एक्सपेंसिव हार्डवेयर टू इंक्रीज रिलायबिलिटी. अब देखना, ये थोड़ी सी बात इसने क्या बोली है, थोड़ा सा ऑकवर्ड एरिया में लेके जा रहा है. क्या बोल रहा है? कि आपको रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा बेयर करना पड़ेगा. हाउएवर, इसकी वजह से आपके क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है. ओके, देन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट और अच्छा हो पाएगा. क्यों? वर्चुअलाइजेशन है. मैनेजमेंट और अच्छा हो पाएगा, मतलब मुझे इसको फिजिकल रिसोर्स की चिंता करेंगे ना, लॉजिकली सोचना है ना, तो एक ही डायरेक्शन में सोचना है कि ग्रिड पे टोटैलिटी में कैसे काम हो रहा है, सब कुछ कनेक्ट हो पा रहा है एक ही जगह से. तो विदाउट एनी रेफरेंस, वेदर दिस इज IBM, AMD और x86, मुझे कोई चिंता ही नहीं, ठीक है. ये बात समझ में आ गई? ओके, सिंपल है. देखना प्लीज आगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या मिलते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्स मैंने लिख रखा है नॉट इम्पोर्टेंट. अच्छा, ये कब लिख दिया, ठीक है. इसमें केबल मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज ढंग से पढ़ लेना. क्या? कंप्यूटेशन, ठीक है. क्या पढ़ लेना ढंग से? कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन में भी क्या, कि प्राइमरी वेज क्या है? एक्सप्लॉइट करने के, किसी भी ग्रिड का इस्तेमाल करने के लिए. किसी भी यूजर को बोले कि आज तो ग्रिड पे ही सब काम करवाना है, तो कैसे होता है काम? जो काम वो लोकली कर रहा है उसको किसको देना चाहिए? ग्रिड को. पहला क्या होगा उसमें स्टेप, देखना क्या लिखा है इसमें. टू रन एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ऑन एन अवेलेबल मशीन ऑन द ग्रिड रादर देन
लोकली. अगर ग्रिड को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, ग्रिड का फायदा उठाना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जो आप खुद के कंप्यूटर पे करते हो उसको कहां भेज दो? ग्रिड पे. सेकंड चीज क्या बोल रहे हैं? To use an application designed to split its work in such a way that the separate parts can execute in parallel on different processes. Grid का maximum benefit कब होगा? जब ऐसा कोई software हो जो task को divide करके सारे computer को भेजे ताकि और भी जल्दी हो, जैसे कि scheduler. ठीक है, तो यहाँ पे ये application कौन सा बोल रहे हैं? कौन सा application बोल रहे हैं? Scheduler. इसको job scheduler भी बोल सकते हैं? ठीक है, अब अगेन ये जॉब शेड्यूलर वर्क, तुम लोग शेड्यूलर वर्क वर्ड क्यों बोल पा रहे हो वीडियो देख के? ठीक है, अगेन बात ये है, ठीक है, अदरवाइज ये प्री कॉन्सेप्ट अगर डेवलप ना हो शेड्यूलर का तो ये समझ में ही नहीं है कौन सा एप्लीकेशन बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये लिख रहे नहीं है. अगेन इन्होंने एक ब्लॉग उठाया, टैग ब्लॉग उठाया और चेप भी आया था, वो टैग ब्लॉग वाला सोच के टैग ब्लॉग लिखता है, उसको लगता है कि लोग जो पढ़ रहे हैं मेरा ब्लॉग उसको पहले से कुछ रिसर्च करके आया और उसको कुछ नॉलेज है, फिर वो पढ़ने बैठे और फिर वो जान रहे हैं कि उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं. इन्होंने वही ब्लॉग 2006-07 का वही एज इट इज टीप के चेप दिया, तो फिर तो ऐसे ही हो गया. तो फिर तो क्या होगा? ऐसे ही होगा. ओके, to run an application that needs to be executed many times on many different machines in the grid. So parallel, multiple execution, parallel execution or grid versus local. समझ में आ गई सारी बात? अच्छा, storage वगैरह मिलता है, communication मिल जाता है, ठीक है, simple है, okay? अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बात लिखी है, redundant communication paths are sometimes needed to better handle potential network failures and excessive डेटा ट्रैफिक. मतलब बार बार रिडंडेंसी. आप लोगों ने मैश नेटवर्क पढ़ा है, मैश नेटवर्क में लाइन की रिडंडेंसी होती है ना, मतलब इतने सारी लाइन की जरूरत नहीं फालतू में लगा दे मिक्स करके, लेकिन उससे रिलायबिलिटी बढ़ती है ना, एक खराब तो दूसरे पे. तो वो भी बोल रहा है कि कभी कभी आपको रिडंडेंट लाइन भी ग्रिड पे लगानी पड़ेगी. क्यों? ताकि आपका एक खराब हो जाए इसका तो भी दूसरे से काम हो जाए, डेटा कम्युनिकेट हो जाए. डेटा ट्रैफिक ज्यादा हो तो आप दूसरे से भेज देना दूसरे रूट से. ठीक है, और सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस. अब देखा ग्रिड मशीन पे क्योंकि सॉफ्टवेयर सब कुछ वर्चुअलाइज है तो आपको एक ही जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप एक जगह पे करें, सबको फायदा होगा. और क्या बोला? स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटीज आर्किटेक्चर्स एंड पॉलिसीज. कुछ कुछ जगह बहुत ग्रिड पे स्पेशल मशीन भी होता है. ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा मशीन है जो केवल क्या कर सकता है? मेडिकल रिसर्च. ठीक है, और बाकी मशीन कभी मेडिकल रिसर्च कर नहीं पाएंगे, लेकिन ग्रिड का शेड्यूलर का काम क्या है? हर चीज को ब्रेक करके सबको भेजना. तो ऐसे में ग्रिड पे ये सेटिंग भी की जा सकती है कि जो भी मेडिकल रिसर्च का कार्य है वो केवल उसी मशीन को जाए, बाकी को ना जाए. तो ये स्पेशल इक्विपमेंट की हिसाब से सेटिंग की जा सकती है, बिकॉज शेड्यूलर इज अ सॉफ्टवेयर, इट कैन बी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. मतलब आईबीएम जो काम कर रहा था आपको ग्रिड पे, वो आईबीएम मशीन तो बनाता ही, IBM साथ के साथ आपको क्या देगा? शेड्यूलर. IBM आपके हिसाब से प्रोग्राम करके डिजाइन करके देता, वो चीज पे IBM बात कर रहा था. जब वीडियो देख रहे थे आप लोग, IBM आपको ये नहीं बोल रहा था कि मैं तुमको ग्रिड कंप्यूटिंग के कंप्यूटर लगा के दूंगा, हार्डवेयर बना के दूंगा, वो ये नहीं बोल रहा. वो बोल रहे शेड्यूलर हम लाएंगे और हम आपका ग्रिड आईटी का पूरा डेप्लॉयमेंट मैनेज करेंगे, आपके जो जो रिसोर्सेज लगे हुए उसके अलावा अब क्या करना चाहिए, कैसे उनको यूटिलाइज करके एक साथ करना चाहिए, वो हम मैनेज करके देंगे. शेड्यूलर हम डिजाइन करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग. मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग शेड्यूलर लगता होगा ना, उसका अपना शेड्यूलर, उसको अपनी नीड्स के हिसाब से, उसको वो ये जानता है कि इसको तो केवल इसका काम करना है, ये शेयर नहीं करेगा, ये अपना काम दे दो सकता है, ये अपना काम दे दो सकता है लेकिन दूसरा काम लेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है फिर एरियाज में. भाई बिकॉज दूसरा काम लेगा तो उसका प्रोसेसिंग फालतू में खराब होगा, हम चाह रहे हैं कि नहीं इसका प्रोसेसिंग तो हमेशा पूरा ही रहे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल. ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई? तो ऐसे में रिजर्व रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सम मशीन्स मे बी डिजाइन टू बी ओनली यूज फॉर मेडिकल रिसर्च. ठीक है, दीज वुड बी आइडेंटिफाइड एज हैविंग अ मेडिकल रिसर्च एट्रीब्यूट एंड द शेड्यूलर कुड बी कॉन्फिगर्ड. शेड्यूलर को क्या कर सकते हैं? कॉन्फिगर कर सकते हैं टू ओनली असाइन जॉब्स दैट रिक्वायर मशीन्स ऑफ द मेडिकल रिसर्च रिसोर्स. ठीक है, एक मिनट. हेलो, गुड मॉर्निंग. अच्छा, कौन से बैच से? 22. हाँ बोलो बोलो, शिवम बोल रहे हो ना? हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो. मुझे आइडिया नहीं है, मतलब कैसे इंटरचेंज वगैरह का, ऐसे इशू
पीएसआई को पूछना वहाँ पे तो ये ज़्यादा रोज का हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ ओके वो क्या है तुम्हारे ऊपर अभी खुद पे आपदा नहीं है ना, तो तुम आसानी से बता रहे हो कि लेटर लिख दो ये कर दो, जबकि आपदा खुद पे होती है ना तो मालूम चलता है। मेरे मैं दो तीन वर्ड ऐसे बोल चुका हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं कुछ बोल रहा था एड हॉक एग्जाम में आया था। चलो यूजिंग अ ग्रिड फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यूजर को जब ग्रिड चाहिए होता है तो सबसे पहले उसको डोनर बनना पड़ता है, बोले मैं दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यूजर सबसे पहले क्या बनेगा, डोनर, और एनरोल हो जाएगा किसके, ग्रिड पे। जैसे ही वो एनरोल होगा तो ग्रिड सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर सकता है और अब वो टास्क भेजने के योग्य है, ठीक है। और उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कहां पे चलेगा, सेकंड पे, ठीक है, लॉगिंग ऑन टू द ग्रिड, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा वो क्या करेगा, लॉगिन, ठीक है। उसको लॉगिन आईडी अलॉट की जाएगी और पासवर्ड अलॉट किया जाएगा। ये क्यों करना पड़ता है अलॉट, क्योंकि सिक्योरिटी रहे, अदरवाइज तो ग्रिड पे कोई भी कच्चा भी कोई भी जुड़ जाएगा जिसने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। तो ग्रिड पे रजिस्ट्रेशन हुआ वैसे ही आपको क्या अलॉट होगा, लॉगिन आईडी, ठीक है। वही लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करोगे तभी आप ग्रिड पे चलोगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेगा, कोई भी यूजर क्या करेगा, फिर लॉगिन कर जाएगा, ओके, और अपने जॉब देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या है, क्वेरीज एंड सबमिटिंग जॉब्स, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला पोर्शन याद रखना हमेशा, ठीक है, एग्जाम के लिए आप ये तैयार रखना, ठीक है, ओके। कैसे करते हैं जॉब्स, हाउ इज अ जॉब सबमिटेड इन अ ग्रिड, मैंने लिखवा रखा है ये, ठीक है। प्लस आप लोगों ने ये भी लिखा हुआ होगा, आई लाइक क्विक डेटा मिस्टर, हाँ ये नहीं लिखा तो लिख लेना प्लीज, आई लाइक क्विक डेटा मिस्टर एम आर आई लाइक, ठीक है। ये सब स्टेप वाइज चलेगा बिकॉज ये यूजर का है ना, यूजर परस्पेक्टिव से ग्रिड, आई लाइक क्विक डेटा, आई लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, आई लाइक क्विक डेटा मिस्टर, जिस तरह से लिखा है वैसे लिखा, ठीक है। तो आई एल क्यू डी एम आर, ठीक है, हो गए, हाँ। तो इससे आपको हमेशा स्टेप्स याद रहेंगे और आपको जो नॉलेज अभी आ चुके ऑलरेडी उससे आप लिख तो पाओगे। स्टेप्स के नाम याद रहने जरूरी है, अंदर का याद रहना जरूरी नहीं, अंदर का याद किसमें करना है, केवल इस, ठीक है, बाकी अपनी समझ से सोच समझ से लिख देना, ठीक है। देन तो सबसे पहले देखना, देख इतना सिंपल लिखा है कि हर छोटे से छोटा काम जो भी ग्रिड पे होता है उसके तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि यूजर अपना काम ग्रिड पे देता है, दूसरा क्या, ग्रिड उसको प्रोसेस करता है, और तीसरा ग्रिड से वापस यूजर, अरे ये स्टेप, ठीक है। देखना इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट सम इनपुट डेटा एंड पॉसिबली द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट फाइल आर सेंड टू द मशीन टू एग्जीक्यूट द जॉब। सेकंड क्या बोल रहे हैं, द जॉब इज एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्रिड मशीन, बिल्कुल। And third, the results of the job are sent back to the, इतना फालतू काम देगा प्रोसेस होगा और लेगा, तो अरे इसके लिए प्रोसेस लिखने की, इसके लिए लिखने की जरूरत क्या, इट इज मोस्ट अंडरस्टूड प्रोसेस, ठीक है तो बहुत जनरल प्रोसेस है, हर किसी को समझ में आता है, इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ओके, डेटा कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखना यूजर की चिंता क्या है, यूजर की चिंता ये है कि जब मैं अपना टास्क भेजता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा टास्क क्या हो, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रिड पे, तो ग्रिड क्या करे, उसको बार बार स्टेज आउट कर दे, ग्रिड को टास्क मिले तो बोले ग्रिड अरे अभी बहुत बिजी है, अभी प्रायोरिटी का टास्क तो चल रहा है, अभी तेरा टास्क बाद में, ठीक है। तो ऐसा यूजर को ग्रिड पे आने का फायदा है क्या, उसको तो और डील हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ग्रिड पे, अदरवाइज अगर वो ग्रिड पे नहीं होता तो ज्यादा जल्दी कर लेता। Yes, तो अगेन
ये उसकी टेंशन है या नहीं है, और ये यूजर को यूजिंग अ ग्रिड फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव उसको क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले वो देखना चाहिए कि अरे मेरे को एनरोल करना पड़ेगा, तो एनरोलिंग में अगर मान लो सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, एनरोल करते टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो मुझे खतरा है ना, क्योंकि बिकॉज आई एम देयर शेयरिंग माय रिसोर्स। यस, इस वजह से एनरोलिंग की बात कर रहे हैं कि यूजर पर्सपेक्टिव में। फिर लॉगिन करते टाइम भी मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि बराबर बराबर वेरीफाई करता है नहीं करता, या ऐसे ही चल जाता है, ठीक है। देन क्वेरीज एंड सबमिटिंग जॉब्स, ठीक है, क्वेरीज एंड सबमिटिंग जॉब्स। तो ये क्वेरीज, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे होएगा, तो बोलते हैं मिनिमम 3 स्टेप तो लगेगा। उसके बाद ये डेटा कॉन्फ़िगरेशन क्यों देख रहा है कि भाई ग्रिड तो कभी भी डेटा अंदर बाहर कर देता है, तो मेरा डेटा तो बाहर नहीं फेंकता हर बार कि चल तेरा बाद में करेंगे, प्रायोरिटी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में होगा, ठीक है। और फिर ये जब स्टेज इन स्टेज आउट करता है तो डेटा ट्रैफिक भी तो बढ़ता है, तो ऐसे में मेरा ऐसा ना हो कि मैं इन्फॉर्मेशन सेंड करूँ वो लैप्स ही हो जाए, ठीक है, वो पहुंचे ही नहीं। डेटा ट्रैफिक बढ़ता है ना, क्योंकि ग्रिड में तो डेटा मूवमेंट मूव आउट होते ही रहता है, तो नेटवर्क तो लिमिटेड है, तो उस नेटवर्क में डेटा फंसा हुआ है, तो डेटा ट्रैफिक ज्यादा है, कंजेशन होगा, प्रॉब्लम होगी, यही बोल रहे, ठीक है। देखना प्लीज, द डेटा एक्सेस बाय द ग्रिड जॉब्स मे सिंपली बी स्टेज्ड इन एंड आउट बाय द ग्रिड सिस्टम, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड द नंबर ऑफ जॉब्स दिस कैन पोटेंशियली एड अप टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैफिक। Again, this type of analysis is necessary for large jobs or to better utilize the grid and not create unnecessary bottleneck. Bottleneck समझते हैं? Constraint. कोई constraint नहीं आना चाहिए. ठीक है? Clear है? Clear है? Okay, then monitoring progress and recovery. ठीक है? वो ये भी देखेगा कि जब मेरे हिस्सों के बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जब इधर उधर चले जाते हैं तो वो इससे वापस भी आते हैं या नहीं आते, ठीक है, मैं जोड़ पाऊंगा या नहीं जोड़ पाऊंगा, ये चिंता है या नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर एक हिस्सा नहीं जुड़ा, जैसे मान लो मैंने अपना पिक दिया, पिक एडिटिंग का काम दिया, ठीक है, और मेरे पिक पहुंच गया, फोटो पहुंच गई है, ठीक है, 10 में डिवाइड होकर पहुंच गई है, तो हाथ पैर वगैरह सब आगे सिर आना रह गया, ठीक है, इकट्ठा ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो सब जॉब प्रोसेस ही नहीं हो रहा। नाउ दिस सब जॉब कैन नॉट बी प्रोसेस ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। एक रीजन क्या हो सकता है कि वो वाला ग्रेड वाला जो पोर्शन जिसको सिर गया है मेरा, वो बहुत बिजी था, ठीक है, तो बाकी लोगों ने तो इकट्ठा करके भेज दिया तो मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, या फिर वो फेल हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो फिर आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना, मतलब रिकवरी का देखना कि प्रोग्रेस एक तो मेरे ग्रिड में कैसा चल रहा है, मेरा टास्क कितना परसेंट हुआ, ये यूजर को दिखना चाहिए, हाँ दिखना चाहिए। तो शेड्यूलर में ये आंसर भी होना चाहिए कि भाई तेरी प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है, 70% टास्क हो चुके हैं, 80% हो चुके हैं, मतलब हो रहा है, ठीक है, यू डोंट थिंक दैट दिस टास्क इज नॉट गोइंग ऑन, अदरवाइज मेरे को टेंशन है ना। अगर मान लो मैं तुमको ऐसे बोल दूं कि तुम मुझे 5-5, 6-6 हजार रुपए दे दो सब लोग, और उसके बाद में सोचूंगा मुझे कब लौटाना है, तो फिर मतलब यू विल एवरी डे बी टेंस कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, सही बात है ना। हाँ, देन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड रिकवरी, तो आप देखना नंबर ऑफ सब जॉब्स, व्हेन द नंबर ऑफ सब जॉब्स बिकम लार्ज इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू लिस्ट देम ऑल इन अ ग्राफिकल विंडो, तो हम एक मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्रेस का आइडिया ही ले सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कभी भी ग्रिड, ठीक है, फाइन। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू टेल इफ एनी पर्टिकुलर सब जॉब इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली, ये भी तकलीफ है, ठीक है। तो ऐसे में रिकवरी ऑप्शन होना चाहिए ना। इन कंजंक्शन विद इट्स जॉब शेड्यूलर, ठीक है, अ ग्रिड सिस्टम शुड ऑफन प्रोवाइड व्हाट सम डिग्री ऑफ रिकवरी फॉर सब जॉब दैट फेल, ठीक है। तो कुछ भी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो कुछ क्या होना चाहिए, ठीक है, रिकवरी होनी चाहिए। और रिजर्विंग रिसोर्स मतलब क्या है कि हम लोग प्लान्ड मेंटेनेंस लगा दे, जब भी मुझे लगता हो कि मुझे मेरा रिसोर्स चाहिए होगा और ग्रिड पे नहीं देना, साल में ऐसा भी सिचुएशन आता होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इस टाइम पे मेरा मेंटेनेंस चलेगा, ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सक्लूसिवली यूज इट फॉर मी, ठीक है, और सिर्फ मेरा आके इस पे रहे, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग के बारे में बता रहे, ओके, देन यूजिंग अ ग्रिड सबसे पहली चीज क्या है, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग में ये देखना कि हार्डवेयर वगैरह की कंसिडरेशन क्या है, और नेक्स्ट क्या है, कोई एडिशनल हार्डवेयर तो नहीं चाहिए होगा। देन फिर उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक, ठीक है, सिक्योरिटी चेक करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलेशन को मार्क करना इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलेशन। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रिड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है ग्रिड सिस्टम को, प्लानिंग में चला गया वो सब वाली चीज को, प्लानिंग में वो सिक्योरिटी देखेगा और ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। सिक्योरिटी में क्या क्या देखेगा कि सिक्योरिटी तो खराब ही हो रही किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या देखेगा कि कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिलिंग नहीं होता। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ दो डिपार्टमेंट की, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और बिलिंग डिपार्टमेंट, बिलिंग एंड अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग में भी बोलता हूँ फाइनेंस का, मतलब जिनको क्वार्टरली हाफ ईयरली ऐसे काम देते हैं, तो काम रोज का किसके पास है, बिलिंग के पास या फाइनेंस के पास? बिलिंग के पास, ठीक है, एवरी डे वर्क एंड बल्क ऑफ वर्क। तो इसको सर्वर की स्पीड ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो इसको ग्रिड पे ज्यादा जरूरत है, और अकाउंटिंग वाले को ग्रिड नहीं भी मिले तो भी मस्त है, तो अकाउंटिंग वाला क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं क्यों दूं भाई, अगेन कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट इज डिफिकल्ट ना, तो बोले मेरा काम फालतू में स्लो भी करूंगा, मेरे को तीन महीने में एक बार काम पड़ता है, मेरे को तेरे को नहीं लेना, ठीक है, एंड व्हाई शुड माय इंफॉर्मेशन कम टू यू, आई डोंट वांट टू गिव, ठीक है, तो ये अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट, ठीक है, कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, यस और नो, ठीक है, अरे वाईफाई की बोल रही है, हां अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बोल, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में देखना सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सही एप्रोप्रिएटली कॉन्फिगर्ड सेट ऑफ मशीन्स, ठीक है, जैसा कॉन्फिगरेशन चाहिए वैसा मशीन लेकर आएंगे। सेकंड, फिर उसमें बैंडविड्थ पूरा होना चाहिए, नेटवर्क ऐसा हो कि बैंडविड्थ पूरा हो, रिकवरी हो पाए, और लास्ट क्या, बैकअप रहने चाहिए, ठीक है, चार चीजें ऐसी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैनेजिंग एनरोलमेंट ऑफ डोनर वगैरह, ठीक है, जाने देना। सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने बताया था क्लास में, या रिवीजन की जरूरत है? रिवीजन की जरूरत है, रुको एक बार क्लियर करते हैं। ओके, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मैंने ऐसा बोला था कि जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं और कोई वेबसाइट लिखते तो वेबसाइट चल जाता है, ठीक है, आप लोगों ने ऐसा भी बोला होगा, ऐसा भी कभी कभी देखा होगा, दैट द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, डज नॉट परमिट यू टू एक्सेस दिस वेब पेज, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस वेब पेज, और यहाँ पे कोने में कभी कभी ऐसा एक शील्ड जैसा बना दे और उसके अंदर क्रॉस लगा होता है, वो रेड कलर का शील्ड होता है ना, और जब आपको अलाउड हो जाता है तो ग्रीन आता है और अंदर टिक लगा होता है, ऐसा देखा होगा ना। हाँ, ये काम कौन हैंडल करता है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये काम कौन हैंडल करता है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मतलब जो वेबसाइट है, ठीक है, जैसे मान लो आईसीआई का वेबसाइट है, तो आईसीआई ने उसको कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के बारे में दे रखा है कि जब ये हो ना तभी यूजर को अलाउ करना कि वो एक्सेस कर पाए, अदरवाइज मना कर देना, ठीक है, तो जब मना कर दिया जाता है तो आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी नकार देती है कि नहीं 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 नहीं, आप प्लीज आप ये वेबसाइट नहीं एक्सेस कर सकते, तो बोले नहीं 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 मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, बोले नहीं मुझे तो करनी है, तो बोले कि देखो ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो हो सकता है कि आईसीआई ने जो आपसे मांगा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज वो नहीं है, ठीक है, जनरली सर्टिफिकेट अथॉरिटी का मामला हर साइट में अटकता है किस पे, डेट टाइम पे, किस पे अटकता है, डेट और टाइम पे। अगर आप अपने कंप्यूटर में जाके कैलेंडर में जाके चेंज कर दो डेट एंड टाइम सेटिंग्स, ठीक है, और एक साल पीछे ले जाना, वन ईयर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये गूगल है ना वो खुलना बंद, इंटरनेट चलाने के बाद गूगल खुलना बंद, उसका रीजन क्या है, डेट। अब देखो गूगल का सिस्टम क्या जाएगा, लॉग मेंटेन कर, तो उसको बैक डेट में तो लॉग आ ही नहीं सकता, जो भी वेबसाइट है वहाँ पे लॉग मेंटेन करती होंगी, नहीं करती होंगी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने उनके प्रोटोकॉल से तो लॉग मेंटेन करते होंगे वो, यस, तो लॉग जब मेंटेन कर रहे हैं तो बैक डेट में डेटा आएगा क्या, तो एक्सेप्ट करेगा क्या, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी पहले ही मना कर देगा, तो पहले ही चूना लगा रहे हैं सिक्योरिटी को, ये कैसे एंटर हो सकता है, यही सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, ये सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है, कि सही यूजर है या नहीं। अब मैं चाहूँ तो मैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी खुद क्रिएट कर लूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं चाहूँ तो क्या कर दूँ, आउटसोर्स, क्या तुम लोग इसका डिजाइन करो और देखना कि कौन से लोग आ सकते हैं, ठीक है, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के फंक्शंस आ सकते हैं जिसका नाम है नो लेफ्ट आर रेड, ठीक है, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी पहली चीज क्या करता है, पॉजिटिवली आइडेंटिफाइज एंटिटीज रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एंटिटीज ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट मांग रही है, ठीक है, सेकेंड वो क्या करता है, ठीक है, इशू कर देता है, उसके बाद क्या, प्रोटेक्टिंग सर्वर, अरे सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्वर ही हैक हो गया तो दुनिया में फिर तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, देन मेंटेनिंग अ नेम स्पेस ऑफ यूनिक नेम्स फॉर सर्टिफिकेट ओनर, जिसको भी सर्टिफिकेट दिया उसका एक नेम स्पेस होगा, उसको नया एक यूनिक नाम दिया जाएगा, सो दैट नो अदर पर्सन कैन गेट द सेम सर्टिफिकेट, ओके, देन
saving signed certificates, serving signed certificates to those needing to authenticate entities. ठीक है, जिनको भी नई नई एंटिटीज को ऑथेंटिकेट करना है उनको ये साइन सर्टिफिकेट देगा ना कि हाँ हमने अलाउ किया था, तो अब आप इसको ऑथराइज कर सकते हैं, ये इंसान आके एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट क्या, लॉगिंग एक्टिविटी, मतलब ये भी एक्टिविटी का लॉग मेंटेन करता है। तो आप सोचो ना, बैक डेट में अगर उसको लॉग आ रहा हो तो देर में चल ही नहीं रहा, तो मना ही करेगा ना कि भाई कहाँ से आ गया तू, क्या आप कौन, कहाँ से आएगा भैया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले डेट चेक कर लेने का। कभी कभी किसी कंप्यूटर में किसी का फोन आ गया आपके दोस्तों, जनरली क्या होता है, मदरबोर्ड का सेल, जब मदरबोर्ड में सेल लगा होता है ना, वो ट्रैक रखता है डेट और टाइम। ठीक है, तो उसमें जब आप डेट टाइम सेटिंग पहली बार करते हो, पहली बार जब डेट टाइम सेट होता है तब कब होता है, जिस दिन आपने कंप्यूटर में अपना अकाउंट बनाया एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो वो डेट तो परमानेंट सेव हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, जिस दिन आपने बनाया और आपने सेट करा, उस दिन आपने एक डेट सेट कर दी, जैसे मान लो 1 जनवरी 2010। ठीक है, अब क्या हुआ, वो सिस्टम चला रहा है, चलाना स्टार्ट किया, ओवर टाइम क्या हुआ, मदरबोर्ड का सेल खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मदरबोर्ड का सेल तुम क्या कर रहे हो, रिप्लेस नहीं कर रहे, तो डेट और टाइम का ट्रैक बंद, तो अगेन वो कौन सा दिखाएगा, पुराना डेट। ऐसे केस में लोगों का इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, बोलते पता नहीं क्या हो रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा। अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द इंटरनेट, द प्रॉब्लम इज ऑफ द इशूइंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी, विच इज नॉट इशूइंग यू द सर्टिफिकेट बिकॉज द डेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एक डेढ़ दिन का फर्क भी होता है ना, चला लेते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी, वाई, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज है। ठीक है, टाइम डिफरेंस आ सकता है टाइम जोन में, इतना चला लेता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं चलता। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। फिर आप लोगों के ये रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट बिलिंग में काम आता है। ठीक है, कि जितना काउंटिंग रहेगा उतना हम डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेशन अपोर्शनमेंट का काम कर पाएंगे। और डेटा शेयरिंग, ठीक है, सिंपल है सर, कि एक ही डेटा बेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और हमको बैकअप कॉपीज रखनी चाहिए, सो दैट इन एनी केस, एनी इन एनी फ्यूचर कंटिजेंसी, ठीक है, यू हैव एन ऑप्शन, ठीक है, टू कम बैक। बाकी कल तक, ठीक है, कल जहाँ तक है मैं वहीं बुला पाऊंगा, बिकॉज है ना, वो मेरी सुबह तो यहाँ वहाँ वी एस आई क्लास रहेगी, तो मानसरोवर आना होगा। ठीक है, ओके।